इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और याद करके रोता रहता है। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि ये दुनिया की जिंदगी छोटी सी जिंदगी है। एक ना एक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस रिलेशन देने जा रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो भी अंत तक देखिएगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन है और बहुत इबरतनाक वीडियो भी है। दोस्तों, मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है, 40 साल 50 साल 60 70 साल जितनी भी ज़िंदगी दी, इसके बाद हम सबको मरना है। यानी कि हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। और जो मरने के बाद की ज़िंदगी है वो असल ज़िंदगी है, जिसे कहते हैं आलम बरज़ख। यानी कि रूहें, चाहे इंसान की हो चाहे जिन्नात हो, किसी की भी रूहें, वो सब एक जगह जाके जमा हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी वहाँ रहती है। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को पहचानता है? जब उसे दफना दिया जाता है, जब मर जाता है, तो क्या अपने घर वालों को पहचानता है? तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए से। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और याद करके रोता रहता है। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को मरना है, इंतकाल करना है और इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर अपने असली ठिकाना आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाजे से गुजरना ही है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नात और इंसान की अरवाह यानी रूहें इस आलम बरज़ख में रहती है, और रूह कहीं भी हो, जिस्म के साथ इसका ताल्लुक रहता ही है। कब्र पर आने वालों को रूह पहचानती है, और ये कहना कि फला की रूह फला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, तो ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो इसके रास्ते खोल दिए जाते हैं कि वो जहाँ चाहे वहाँ पर चला जाए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी कि आलम बरज़ख में आ गए हैं, और इसको ये सारी चीज़ें याद होती है कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार है, और हमारे भाई बहन भी है, और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे को दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीज़ें होता हुआ देख भी रहा होता है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है, और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ऐ लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुँचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसका आगे क्या होने वाला है, यानी आगे आने वाले जो मामले हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल है, सख्त है या आसान, इसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त जो तकलीफ होती है, रूह को इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है और इसको ये मालूम हो जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुँचा दो, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। प्यारे दोस्तों, इसके बरअक्स जो गुनहगार बेनमाजी इंसान होता है तो वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, ऐ मेरे बच्चों, यानी कि वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनवाया, और अब तुम मुझे हमारे घर से निकालकर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो। तो मुर्दे को बहुत घबराहट होती है, तो अपनी जुबानी हाल से कहने की कोशिश करता है कि ऐ लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो इसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे तमाम रिश्तेदार दोस्त उस पिछली दुनिया में हैं जहाँ पर वो पहले मौजूद था। इसी वजह से रिवायत में आता है कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा इस कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है कि ये हमारा फला फला शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह के हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स की कब्र के पास से गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है तो वो उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर कोई अजीज रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन अगर मुर्दा गुनहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से कब्र के अंदर सजाए भुगत रहा होता है तो वो कब्र पर आने वालों को पहचान कर भी इसकी तरफ कोई तवज्जो और ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी जिंदगी इतनी सख्त बन चुकी होती है और वो अजाब से दो चार हो रहा होता है। इसी वजह से
उसका कब्र पर आने वालों की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं, हम ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, तो वो कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी है और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए इसाले सवाब करता है और जब उस इसाले सवाब को तोहफा बनाकर उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि इससे पहले उसको ऐसी खुशी कभी भी नहीं मिली होती। और प्यारे दोस्तों, जो बंदा गुनहगार होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश में ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत थी, उसको कब्र के अंदर आज़ाब हो रहा होता है। इसी वजह से वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर उसको बहुत सुकून था और दुनिया की ज़िंदगी के अंदर वो इस तरह के आज़ाब में मुब्तला नहीं था। इसी वजह से गुनहगार शख्स दुनिया की ज़िंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरहूमीन के लिए इसाले सवाब की तलकीन की गई है, क्योंकि इसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शिश होती है और जो नेकोकार होते हैं उनके दर्जात बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरहूमीन को याद रखना चाहिए और इनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए। और हमें चाहिए कि जब हम इस्तगफार करें तो हम अपने लिए ना करें, बल्कि अपने इस्तगफार में हम अपने तमाम अजीज व अकारिब रिश्तेदार मरहूमीन को भी शामिल रखें। प्यारे दोस्तों, लेकिन जो नेक बंदा होता है तो वो दुनिया की ज़िंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की ज़िंदगी यानी कि आलम बरज़ख की ज़िंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबू कब्र के अंदर उसको महसूस होती है और नेक बंदा बड़ी ही राहतों और सुकून में होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई फिक्र और परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी उस जिंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून मिलता है और जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है, और वो इसी में खुश होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी किस्म की कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहतें ही राहतें होती है। और जो गुनहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो कब्र की डरावनी रातों से, कब्र के अंधेरे से बहुत परेशान होता है। पहले दोस्तों, असल चीज़ जो है वो अमल है, जिस तरह के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, अमल पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा कोई पैगाम नहीं, और अगर इंसान के अमल खराब है तो मौत से बुरा उसके लिए कोई पैगाम नहीं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम अपने रब से गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और नमाज़े जनाजा के हवाले से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी मैयत की नमाज़े जनाजा 40 मुसलमान पढ़े, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ना ठहराते, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत के हक में उनकी सिफारिश को ज़रूर कबूल फरमाता है। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज़े जनाजा उम्मत मुस्लिमा के 100 अफराद अदा करते हैं और उसके बाद वो उस मैयत के लिए सिफारिश करते हैं, तो उनकी सिफारिश इस मैयत के हक में कबूल की जाती है। और इमाम इब्ने कय्यूम रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, नमाज़े जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ करना है, लिहाजा कब्र के पास खड़े होकर दुआ करनी चाहिए और मैयत के लिए मगफिरत तलब करनी चाहिए। जिस तरह की हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते बिस्मिल्लाह व आला सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर। दोस्तों, हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैयत को दफन करके फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते, अपने भाई के लिए मगफरत की तलब करो और उसके लिए साबित कदमी मांगो, इसीलिए कि अभी इससे सवाल किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया आखिरत कब्र और हश्र में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने तमाम मरहूमीन और तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो हमने देखा, बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी ये। दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सबको एक दिन मरना है। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी 30, 40, 50, 60, 70 साल जितनी ज़िंदगी दी है, इसे अच्छे काम में गुजारें और अपने छोटों को ये नसीहत करें, अपने घर वालों को या अपने जो भी आने वाली नस्लें उनको नसीहत करें कि जो भी इस दुनिया से चला जाता है वो फिर कुछ नहीं कर सकता अपने लिए। तो हमें चाहिए उनका इसाले सवाब करें, उनके हक में खूब दुआ करें। तो ये भी, क्योंकि हमें भी मरना है तो हमको भी ये, जब मरेंगे तो हम भी ये सोचेंगे कि कोई हमारे लिए इसाले सवाब करे, हमारे हक में कोई दुआ करे। तो ये सिलसिला जो चला है, ये हकीकत है कि मरने के बाद मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, और हमें चाहिए कि ये चीज़ करें। अपने जो भी आपके अपने हैं इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके हक में दुआ करें, उनके लिए खूब इसाले सवाब करें। तो ये उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।